द्वारा शिक्षा लिया जा सकता है, गुरुओं से संस्कार लिया जा सकता है, ज्ञान लिया जा सकता है, बुद्धि लिया जा सकता है, लेकिन अपने शिक्षकों से, गुरुओं से कभी भी धन नहीं लिया जा सकता और नहीं भी लिया जाना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। और इसके बाद बहुत बढ़िया। सर, जैसे एक शिक्षक एक बच्चे के साथ बिहेव करेगा, बच्चे उसको प्रेम करवे करेंगे। और हम लोग में क्या है कि बच्चे को इस ढंग से पढ़ाना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, यही सब बच्चों को प्रेम दिलाता है। उसके अपने तरफ से हर ईयर एक साल एक बच्चे के जो बना है हम दे रहे हैं 51,000 रुपया हर ईयर हम देंगे। जिस जो बच्चे टॉप करेगा उसके लिए हम अपने चला के स्टडी पॉइंट दे क्या है, उसके घर का संस्कार है और उसके सारे शिक्षकों का संस्कार है कि वो भारतीय इतिहास के उस संस्कार को फॉलो किया है जो सबके सबको हैरान करके रख दिया। ये इंस्टीट्यूट है जो मुझे मैट्रिक में भी पूरे बिहार में 15वां स्थान दिलाने में सहयोग किया और यही इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे आज पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त कराया है। तो किया है, बहुत सारे नेताओं का झूला होता है, तो आपका भी 1.5 लाख, 2.5 लाख उसका 50% आपने बोला है, तो आपका भी झूला रहेगा कि रियल में आप मदद करेंगे? इस जुमले के लिए तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मृत्युंजय को और सभी लोगों से कि IAS और UPSC के लिए अच्छे एजुकेशनल हब और कम्प्लेक्स जो है दिल्ली में है। तमाम फेफड़ा कैंसर TB आदि से है परेशान तो ईमान TV चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। 25,000 रुपया बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, आपको वो दिया गया तो आप लौटा क्यों दिए? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे गुरुओं द्वारा दिया गया था और गुरुओं द्वारा शिक्षा लिया जा सकता है, गुरुओं से संस्कार लिया जा सकता है, ज्ञान लिया जा सकता है, बुद्धि लिया जा सकता है, लेकिन अपने शिक्षकों से, गुरुओं से कभी भी धन नहीं लिया जा सकता और नहीं भी लिया जाना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसे संस्कार आपको कहाँ से मिले? जी, ऐसे संस्कार हमारे माता पिता और इन्हीं शिक्षकों के द्वारा मिले और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपना ये जो भी अमाउंट मुझे मिला वो मैं अपने ही चाणक्य स्टडी सेंटर के अपने ही टीचर्स को समर्पित किया हूँ, क्योंकि उन्हीं के संस्कार है और उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। आपको बहुत बच्चे, पूरे बिहार के बच्चे बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं जी, आप ही की तरह मार्क्स लाना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, उन लोगों से क्या कहेंगे? उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं शुरू से कई बार कहता भी आया हूँ कि अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए और टीचर्स के गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और टीचर ने हमेशा से हमें सहयोग किया और माता पिता का सहयोग होना चाहिए और वो जो मैंने कहा कि गोल सेट करके पढ़ाई करने का जो तरीका है वह सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक टाइम तो होता है कि मतलब हमें इतने देर में पढ़ना है लेकिन इतने देर में क्या पढ़ना है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप लोग डॉक्टर अशोक ने पढ़ाई के लिए ये ऑफर किया कि जो भी आपका IAS ऑफिसर बनने में कोचिंग की जो फीस होगी उसका 50% देंगे, आपको ऐसा लग रहा है? जी, मुझे तो बहुत खुशी भी हो रही है और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा जो मुझे इतना अमाउंट देने का मतलब प्रयास किया और मैं उनका हमेशा से धन्यवाद का प्रार्थी रहूँगा कि उन्होंने मेरे लिए इतना सहयोग किया। आपके गुरुजनों के आंखों में आंसू आ गए आज, आपको क्या दिल में महसूस हुआ? दिल से तो बहुत ज़्यादा, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे कारण, मेरी वजह से आज हमारे गुरु इतने खुश है कि उनके आंखों से आंसू आ गए और ये दुख के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उम्मीदें बहुत लग गई हैं आपसे, ऐसे ही एक सम्मान समारोह वो करना चाहते हैं जब आप IAS बन करके बढ़िया की धरती पर आएंगे। जी, मेरी उम्मीदें तो मुझसे जो उम्मीदें हैं सिर्फ हमारे टीचर्स की नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव वालों की, जिले की उम्मीदें हैं कि मैं आगे चल के UPSC क्रैक करूं और मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा कि मैं UPSC क्रैक करूं और अपने सभी लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरूं। बहुत
कोचिंग के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में क्या चाहेंगे? चाणक्य इंस्टीट्यूट का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आज यही इंस्टीट्यूट है जो मुझे मैट्रिक में भी पूरे बिहार में 15वां स्थान दिलाने में सहयोग किया, और यही इंस्टीट्यूट है जिसने मुझे आज पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त कराया है। तो मैं कोचिंग के सभी टीचर्स को और इस कोचिंग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और अपने सभी आने वाले स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस कोचिंग को ज्वाइन करें और टीचर्स का गाइडलाइंस का पालन करें, टेस्ट को फॉलो करें, टेस्ट की गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, तो ज़रूर आप आने वाले समय में 481 क्या 490 499 भी ला सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने जो वादा किया है, बहुत सारे नेताओं का झूला होता है, तो आपका भी 1.5 लाख 2.5 लाख या 2 लाख उसका 50% आपने बोला, तो आपका भी जुमला रहेगा कि रियल में आप मदद करेंगे? इस जुमले के लिए तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा मृत्युंजय को और सभी लोगों से कि IAS और UPSC के लिए अच्छे एजुकेशनल हब और कम्प्लेक्स जो है दिल्ली में है, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। एडमिशन लेने में देर नहीं है, 1 से 2 महीने की बात है, 1 से 2 महीने में ये एडमिशन ले लेंगे। और एडमिशन लेने के बाद मैं इनसे ये कहूँगा कि ग्रेजुएशन का स्टडी साथ साथ चलता रहे और उसी के साथ कोचिंग का भी स्टडी शुरू कर दें, तो ये बात साबित हो जाएगी बहुत ही जल्द, 2 से 3 महीने में ये किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेंगे, और 2 से 3 महीने में इस बात को मैं कामयाब कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा और पूरा कर दूंगा, और सबके सामने ये बात आ जाएगी कि मैं इनके कोचिंग का 50% शेयर दे रहा हूँ। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये ग्रेजुएशन करके कोचिंग करें, ये एक बार कोचिंग करें, तुरंत एडमिशन ले ग्रेजुएशन में और कोचिंग में एडमिशन ले, इस बार मैं 50% दूंगा, फिर इनको अगर कोचिंग की जरूरत पड़ेगी तो मैं अगली दफ़ा भी 50% दूंगा, और ये बात आपके सामने तक आ जाएगी, और मैं ये बात जुमलेबाजी में नहीं दिल के इरादे में रखता हूँ और इंशाल्लाह जरूर कामयाब करूँगा। एक सवाल होगा, जब मृत्युंजय को सम्मान राशि 25,000 रुपया दिया गया और मृत्युंजय ने उसे लौटा दिया, तो आप क्यों भावुक हो गए थे? भावुक मैं इसलिए हो गया था कि जैसे मृत्युंजय ने कहा कि गुरु से ज्ञान लिया जा सकता है, शिक्षा लिया जा सकता है, संस्कार लिया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, गुरु से पैसा नहीं लिया जा सकता, इसकी सोच के पीछे मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस समय, मैं अपने आंसुओं को किसी तरह से थामा, तब तक मैंने देखा कि प्रकाश सर की आंखों में आंसू आ गए, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह के इरादे के लोग यहाँ हैं, एक विद्यार्थी है जो इस तरह का सोच रखता है, एक शिक्षक है जो इतनी भावुकता से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने आँखों से आंसुओं को देते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और शायद ये काम मैं भी किया हूँ एक दिन, और आज भी जैसे नदीम बाबू ने कहा कि जुमलेबाजी, मैं जुमलेबाजी अपने ज़िंदगी में कहीं नहीं किया हूँ, कभी नहीं किया हूँ, मैं जो कहता हूँ वो पूरा करता हूँ, जो सोचता हूँ कोई नहीं जानता है उसे भी पूरा करता हूँ, और जो दिल में उम्मीदें बना कर रखा हूँ उसको पूरा और कामयाब करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कहीं मेरे ज़िंदगी में जुमलेबाजी नहीं नज़र आएगी। ये 1.5 लाख रुपया कुछ नहीं है, मैं तो एक और ये कोचिंग करें तो मैं उसमें भी 50% दूंगा, और आज आप लोगों के सामने कहता हूँ, इनके पिताजी अगर ये कहें कि सर आप पूरी की पूरी फी दे दीजिए आज के डेट में, तो मैं आज ही इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा और पूरा फीस दे सकता हूँ, मैंने तो उनके अप्रिसिएट करने के लिए 50% की बात कहा। हम आपकी इस नेक नियुक्ति के लिए आपको शुभकामना देते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये जुमलेबाजी नहीं, ये बढ़िया वालों के लिए हम मोहब्बत और हमदर्द है। हाँ, मृत्युंजय IAS बन जाएगा तो उसके बाद फिर मांगिएगा नहीं ना? देखिए मैं आपको बता दूं मैं क्या मांगूंगा क्या नहीं मांगूंगा, मैं जब बोल रहा था अपने वक्तव्य में मैंने एक बात कहा था कि सबसे पहले IAS का कोचिंग मैंने ही शुरू किया था क्विक रिव्यू स्टडी सेंटर के नाम से, उसके पहले यहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, IAS का पढ़ाई नहीं हुआ करता था कोचिंग के जरिए, लेकिन जब मैं आया बढ़रिया में तो IAS का कोचिंग शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया, और लगभग 3-4 साल तक मैंने पढ़ाया, उसके बाद से मेरी जॉब की पोस्टिंग हुई माझागढ़ में, तो हमें डिस्टर्ब होने लगा, तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब करना नहीं मुनासिब समझा, फिर मैंने अपना कोचिंग बंद किया, तुरंत चाणक्य स्टडी सेंटर खुला। तो मैं आपको बता दूं कि आज तक हमारे पढ़ाए हुए बहुत से बच्चे IAS के कुछ डॉक्टर्स में गए हैं, कुछ इंजीनियरिंग में गए हैं, कुछ और भी ऊंचे ओहदे पे गए हैं, और मेरे बच्चे आज पढ़ाए हुए बच्चे 2-4 बच्चों के गार्जियन भी हो गए हैं, तो आज तक मैंने उन लोगों से गुरु दक्षिणा में सिर्फ उनका प्यार और मोहब्बत मांगा है और कुछ नहीं मांगा है, इसी तरह से मैं मृत्युंजय से भी कुछ नहीं मांगूंगा, सिर्फ इसका प्यार मोहब्बत बढ़रिया के प्रति मांगूंगा। जी ये बड़ी खुशी की बात है, और ये कहा जाता है कि बच्चा
कहीं भी जाता है तो उसका घर का संस्कार और उसके शिक्षकों का संस्कार दिखाई देता है। मृत्युंजय कुमार आज जो कुछ भी किया है उसके घर का संस्कार है और उसके सारे शिक्षकों का संस्कार है कि वो भारतीय इतिहास के उस संस्कार को फॉलो किया है जो सबके सबको हैरान करके रख दिया जी। और ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, मान सम्मान की बात है और पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ मृत्युंजय के वजह से, तो ये सारे सीमानवासियों के लिए मान सम्मान और खुशी की बात है। और देखिए मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि अगर किसी कारणवश अगर आप हार गए तो हार के दिल को छोटा नहीं करना चाहिए, नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए, आपको फिर से उठकर दोबारा मेहनत करना चाहिए और फिर से उस मुकाम को पाने की कोशिश करना चाहिए जिस मुकाम को पाने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। और देखिए मैं आपको बताता चलूँ, क्लास 11th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है जिसकी टाइमिंग है सुबह 6:50, तो क्लास 11th का बैच शुरू हो चुका है, जो बच्चे अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं जी। आज तो बहुत खुशी है हमको इस सड़क स्टडी पॉइंट में आकर कि ऐसे ऐसे बच्चों को जो ये लोग मेहनत के बदौलत जो निकल रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा भारी योगदान हमारे सब चाणक्य पब्लिक स्टडी पॉइंट के टीचर लोगों का है। इस बच्चे के संस्कार को देखकर जो इनके माता पिता और टीचर लोग दिए हैं ये बहुत खुशी हुई है। हमारे सर के जो भावुकता स्थिति जो देखे हैं ये खुशी के मतलब ये कुछ कहने के लायक नहीं है जिसको हम आगे कुछ अपने मुख से कह पाएँ। और हम ये खुशी में कुछ अपने तरफ से कहूँगा कि जिस तरह के बच्चे निकले हैं, अगर जितने भी बच्चे होंगे हर साल इस चाणक्य स्टडी पॉइंट के जो भी बच्चे निकलेंगे उसके अपने तरफ से हर ईयर एक साल एक बच्चे के जो बना है हम दे रहे हैं 51,000 रुपया हर ईयर हम देंगे जिस जो बच्चे टॉप करेगा उसके लिए हम अपने चाणक्य स्टडी पॉइंट जी हर साल आप दीजिएगा जी। जो हर साल बच्चे निकलेंगे एक जो बच्चे टॉप करेंगे एक बहुत बड़ी खबर रवि डॉक्टर आर के सिंह के द्वारा, ये अभी जो लड़का बिहार टॉपर हुआ है इसके 51,000 रुपया और देंगे और प्रति वर्ष जो टॉप करेगा लड़का टॉपर बनेगा कोचिंग का चाणक्य का 51,000 रुपया प्रति वर्ष देंगे। एक बार जोरदार रवि इस बार टॉपर को 51,000 रुपया और इसके बाद बहुत बढ़िया 51,000 रुपया डॉक्टर आर के सिंह के द्वारा बिहार टॉपर मृत्युंजय को दिया जाएगा और साथ ही साथ डॉक्टर आर के सिंह के द्वारा यह भी कहा गया कि जो भी लड़का चाणक्य स्टडी सेंटर से अगर टॉप करता है तो हर साल उस विद्यार्थी को 51,000 रुपया पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। बहुत बढ़िया सर, जैसे एक शिक्षक एक बच्चे के साथ बिहेव करेगा बच्चे उसको प्रेम करवे करेंगे। और हम लोग में क्या है कि बच्चे को इस ढंग से पढ़ाना, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, यही सब बच्चों को प्रेम दिलाता है। बैच कब स्टार्ट हो रहा है आपके यहाँ? बैच सर हमारे यहाँ अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है जिसका हम लोग टाइमिंग अभी 6:50 रखे हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि मंगलवार या बुधवार से और पहले हो जाएगा। 11th का बैच हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है। प्रकाश सर, हम लोग समझते हैं कि साइंस के जो टीचर होते हैं वो सिर्फ मशीन बनाते हैं, लेकिन चाणक्य स्टडी सेंटर में मशीन के साथ साथ इंसान भी बनाया जाता है, आज एकदम उसका जीता जागता उदाहरण भी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो सही बात है। हम जब भी पढ़ाते हैं हम अपने बच्चों को हमेशा ज्ञान के साथ साथ आचरण, कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे के साथ रहना है, कैसे कोचिंग से बाहर निकलिएगा तो कैसे चलना है, कैसे आपस में बात करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं तो खुद बच्चों को देता रहता हूँ, उनको संभालते रहता हूँ। आगे भी अगले साल भी उम्मीद करें कि टॉपर बिहार टॉपर आपके ही इंस्टीट्यूट से होगा? नहीं, अगले के तो आशा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद वाला जो बैच आएगा 2026 की जो बैच आएगी उसमें हम लोग जरूर
99% ये वादा करते हैं कि जरूर टॉप 10 में बिहार का बच्चा, हमारे बाड़ी बढ़िया का बच्चा रहेगा, हमारे कोचिंग का बच्चा रहेगा।